खोलो धर्म द्वार काल का, खोलो धर्म द्वार, खोलो धर्म द्वार काल का, खोलो द्वार। जय काली, जय जय मां काली, जय काली, जय काली, जय जय मां काली, जय काली। ये लड्डू गोपाल आपको दरबार से मिले हैं? हाँ, मुझे दरबार से मेरी गुरु माँ के हाथों से मिले हैं। तो इनके लिए कोई मांग तो नहीं की गई? नहीं, कोई मांग नहीं की गई। फ्री दे रहे हैं? फ्री सेवा है। किसी भी प्रकार की पैसे की मांग की? कोई मांग नहीं। मैंने प्रण लिया था कि मैं बाजार से खरीद के अपने लड्डू को नहीं लाऊंगी। मैंने इनसे कहा था जब मुझे सेवा के लायक समझो तो खुद आ जाना। आज वो मुझे यहाँ तक लाए और खुद मेरी गोद में आए। मैं जी जान से इनकी सेवा करूंगी। कालका माई की जय। कालका आंटी, या आप कालका माँ क्यों ले जा रहे हो? इनके बारे में आपको कहाँ से पता चला? इसे चला मंदिर से। क्यों ले जाना चाहते हो माँ कालका? सेवा करोगे? तो जय कालका माँ की आपको विग्रह दी गई है, इसकी आपसे किसी प्रकार की कोई मांग तो नहीं की गई? पैसे वैसे तो नहीं ले गए? नहीं। और ये कालका माँ आप अपनी मर्जी से ले जा रहे हो या कोई मतलब हम मंदिर की तरफ से कोई जबरदस्ती हो रही है कि नहीं लेके जाओ? आपने खुशी से ले जा रहे हो? ठीक है। ओम साईं। ओम साईं कालका भैया, किस चीज़ की कढ़ाई लाए हो आप? ओम साईं कालका भाई, माँ ने मेरे काम बनाए हैं, मेरी लड़की को दिक्कत थी जी, ठीक है, और माँ ने बताया था कि मेरे घर पे एक बार मत्था टिका लियो, वो दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो जैसे माँ ने कहा था वैसा ही हुआ। मैं एक बार मत्था टिकवाने ले गया जब राजापुरी में लगता था दरबार, तो एक बार मत्था टिकवाने से ही दिक्कत खत्म हो गई। तो उस चीज़ की कढ़ाई लाए और बाकी जो आपके काम बने उस चीज़ की लाए हो। भैया दरबार से कब से जुड़े आप? मैं जुड़ा हूँ 1 साल से ऊपर हो गया। तो इस बीच आपसे किसी प्रकार की दरबार की तरफ से या सेवादार की तरफ से कोई मांग तो नहीं की गई? ठीक है भैया, जैसे माँ ने आपके काम बनाए वैसे सबके बनाए। ओम साईं कालका। ओम साईं कालका भैया, आपको माँ कालका का कहाँ से पता चला और क्यों ले जानी है माँ कालका? जय ओम साईं कालका। मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला था। मैं एक दिन मंगलवार के दिन यहाँ पे आया था गुरु धारण के पूछने के लिए, तो उस टाइम पे मुझे पता चला है कि मैया कालका जी कालका मैया को साथ में दे रही है। एक लेडीज ने यहाँ पे मांगी तो आज मैं उसके शक्ति पाठ के लिए पता करने आया था कि नाम लिखाना जरूरी है या नहीं। तो मैं उन्हीं के साथ मैया को लेके जा रहा हूँ सेवा करने के लिए, और मैं इनकी सेवा काफ़ी दिनों से कर रहे कई सालों से, तो यहाँ से पता चला तो मैं इसलिए मैया को लेके जा रहा हूँ। तो जो कालका माँ की आपको विग्रह दी गई है ये आपको निःशुल्क दी गई है, इसकी कोई मांग की गई है दरबार की तरफ से? कुछ नहीं, कोई मांग नहीं की गई मेरे से, और ना ही किसी चीज़ के लिए मेरे से प्रेशर किया गया है। निःशुल्क दी गई है? निःशुल्क दी गई है। जय माई की। कालका दीदी, ये कालका माँ आपको क्यों ले जाने और इनका आपको कहाँ से पता चला? हम मंदिर से मंदिर पे रोज आते हैं, और हमें देख के यहाँ पे जब पता चला कि सबको ही मिल रही है, तो फिर हमने भी चाहा कि हम भी अपने घर ले जाएं और अपने घर में पूजा करें। अच्छा, तो दीदी जो ये माँ कालका की विग्रह है ये आपको किसी जोर जबरदस्ती से तो नहीं दी जा रही? अपनी खुशी से ले जा रहे हो? अपनी खुशी से ले जा रही हूं। इसकी किस इस विग्रह की आपसे कोई मांग या मतलब किसी प्रकार कोई मांग तो नहीं की गई दरबार की तरफ से? निःशुल्क दी गई है। फ्री दी गई है? फ्री दी गई है, इसकी कोई मांग नहीं है। माने पढ़ने के लिए दी। बोल कालका माई की। चलो बदलाव, किसको चाहिए बदलाव की माँ? इसको ले दो और दो, 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 दो है। और बदलाव की माँ लो, कविता जी दो पीछे हो रहे हैं, एक और बच्ची और कौन ले रहा है बदलाव की? लो धारी चाहिए कविता जी, वो दे देना उसको बगला मुखी वाली बच्ची को। लो ये भी दे दो उस बच्चे को नर्सिंग कवच। किसी और को चाहिए नर्सिंग कवच? और कोई? बस शिवलिंग किसको चाहिए? लो कविता जी दो जी, जिसको दो वो कर लेना। हाँ बहुत है हमारे पास, एक एक करके दो। इस तूने मिठल ले लिए, यही भोला यही कृष्ण यही पार्वती।
जिसको देने हैं वो खुद ले जाएगा आगे। और भी होंगे नीचे शिवलिंग तो देख लो, सारे पूजा करने वाले हैं ना, पकड़ा दो गिरी बाबा आप करा लेगा। सुमन और भी होंगे नीचे, एक उसको दे देना, पीछे दिखाई देगा ना, क्यों दे दो, मैं अलग अलग से दूंगी। और भी होंगे नीचे, पता लग गया तो तेरे पास एक है तो उल्टे दे मारे। नहीं तो एक है तो तू फिर दूर रखने, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो ये भी कहते थे एक लड्डू को पाल के ला। सावन में जा रहे हैं भोले बाबा भाई घर में बच्चों के, इससे बढ़ के और कोई बात हो सकती है? और भैया एक बात ये भी कि हमें भी शिव परिवार लाने हैं, सावन खत्म होने में रह गए 7 दिन और समय मिल नहीं रहा, हमारा शिव परिवार फंडित हो चुका है बाबू जी। बाबू एक शिवलिंग तो हमारे बेचारे खंडित हो गए हैं, ये रहे, और कोई इसको जोड़ के लगाएगा नहीं, वहम करेगा, हम कर लेंगे इसका काम। और भी हैं क्या नीचे? और नहीं है बस हो गए। अच्छा जितने हैं दे दो अपने हिसाब से, आप जिनको पहले किताब मिली उनको मत देना। जल्दी जल्दी बात करना बेटा, ये थोड़े से ऊपर से वो हो चुके हैं, आप इनको ठीक कर सको तो ले जाओ। शिवजी खराब हो चुके हैं और ये अच्छे हो चुके हैं, जुड़ जाएंगे लेकिन मैं जो बताऊं साईकाल का कहां से आए? पंजाब गुरदासपुर से। जे सभी बच्चों के जो काम बने हैं उनकी कढ़ाई आई है और कोई भी उपाय नहीं किया गया, जस्ट असोलादार की अरदास से ही माँ ने काम बनाए हैं, और बहुत ऐसी कढ़ाइयाँ और भी हैं जो चढ़ रही हैं, चढ़ेंगी भी सही। ये है शक्ति सोलह धाम की, ये शक्ति मेरी गुरु माई की, हर कोई ओम साई काल का ही आजकल कर रहा है, तो इतनी कृपा है महा माई की, हर तरफ काल का माँ के जयकारे गूंज रहे हैं, सोलह धाम के जयकारे गूंज रहे हैं, गुरु माँ के जयकारे गूंज रहे हैं, तो वहाँ बस ऐसे कृपा करते रहे और हम अपने गुरुद्वार में करेंगे चढ़ाते रहे। पंजाब में कहाँ लगाते हो गद्दी? पंजाब गुरदासपुर में, गुरदासपुर जी माँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ जुड़े? मेरे को 1.5 साल हो गया माँ। 1 साल हो गया यहाँ पे, किसी सेवादार ने कोई दिक्कत या कोई मांग करी हो पैसे की? कभी भी नहीं माँ, जब भी अपने भाई बहन जैसे रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं। जय भाई ओम साईं काल का लाड़ी। ओम साईं काल का माँ। हाँ बेटा ओम साईं काल का। कहाँ से आयो लाडली? ग्रेटर नोएडा से। क्या काम बना आपका? मम्मी मेरा इतना बड़ा काम बना है कि मैं किसी को नहीं बता सकती, बहुत कोई भी नहीं कर सकता था ऐसा काम बना है, मेरी मामाई ने बनाया। इसी दरबार से बना है? कितना टाइम होगा बेटा दरबार जुड़े? मम्मी 2 साल होने वाले। 2 साल होने वाले, उसकी खुशी में क्या लेके आए आज आप? माँ के लिए छत्र चढ़ाया था मम्मी। छत्र लेके आए हो, और क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको 2 साल हो गए जुड़े, किसी सेवादार ने कोई मांग वांग करी या किसी यहाँ दरबार ने करी? नहीं मम्मी कभी कोई मांग नहीं हुई है। अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। ओम साईं काल का। अच्छा ये महाराजापुरी अरदास लगाई। अच्छा पर पहले बच्चे थे? नहीं। कितने मतलब कितने दिन बाद हुआ बेटे? क्या 1 साल? 1 साल नहीं मतलब पहले बच्चे नहीं होते थे? नहीं होते थे। अच्छा नहीं अच्छा ठीक है बेटा, जय माई की, जय माई की, चले बेटा जय माई की। हाँ बेटा ओम साईं काल का। बेटा कहाँ से आई हो? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से आई हो, क्या काम बना लाडली? मेरी बेटी की नौकरी लगी इसकी, नौकरी लगी। बाद हमने एक डॉगी पाली थी उसका, वो बहुत बीमार हुई, उसके लिए मैंने बोला मम्मी के लिए, मैंने अपनी माँ के लिए बोला, मेरी माँ भी है 70 साल की, वो भी बहुत बीमार थी, उनके लिए बोला, घर बैठे बिठाए उनके भी काम बनाए। कितने टाइम से जुड़ी हो आप दरबार से? मैं 2 साल हो गए। कितने बार आई हो आप? मैं आज मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। पहली बार आई? हाँ, मेरे को ये था कि कालका मंदिर जाओ, वहीं पे वहीं की बोलती थी मैं अरदास, वहीं पे फिर मैं 2 साल से वहीं पे ही लगाती थी, फिर बीच में मम्मी ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी, मम्मी ने बताया कि गुरुमाई को, अपनी गुरुमाई को, मेरा कोई गुरु नहीं आज तक है, बोले मन से गुरु मानो, गुरुमाई के पास मेरी बेटी को
बड़ा सब हुआ था, मेरी बेटी को मेरी बेटी के लिए करो। मैं कालका जी ने, कालका मम्मी ने, फिर मैंने मम्मी के, ये मेरे बच्चे हैं। आज आप पहली बार आए हो। थोड़ा थोड़ा मेरे को देते रहते हैं, उस हिसाब से मैं मम्मी के लिए जैसा मुझ पे बन पड़ा सो मैं अपना ओम साईं कालका जयकारा। मेरी कालका माई का बहुत जयकारा, मेरी गुरुमाई, गुरुमाई ने दर्शन के, गुरुमाई जैसे मेरी अब तक लास्ट सम्मान की रक्षा करी, आगे भी लास्ट सम्मान की रक्षा मम्मी तुम ही करना, ये मेरी बेटी है। हाँ, जय माता दी बेटा। ओम साईं कालका लाल जी। कहाँ से आई हो? हम लोग नजफगढ़ से आए हैं। नजफगढ़ से आए हो, क्या काम बना आपका? मेरा 2 साल से बेटे का पासपोर्ट का काम रुका हुआ था, उम्मीद नहीं थी कि बन जाएगा बोल के माँ को अरदास लगाई कलश यात्रा में, और उसके बाद में अरदास रखे गई, कलश यात्रा का जल भी लेके गई, वो जल पूरा छिड़का, पिला पिलाया पिया, उसके बाद में 2 महीने के अंदर माँ ने ऐसा चमत्कार दिखाया ना, जो काम नहीं हमने तो सोचा ही नहीं था कि होगा, वो काम आज पासपोर्ट के रूप में आ गया। माँ देखो पासपोर्ट बन गया आज मेरे बेटे का। अच्छा, आज ये देखो आज माँ को यही दिखाने आई हूँ कि माँ बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ पे आए, कितने टाइम से जुड़े हुए हो? 3 साल हो गए मुझे जुड़े। 3 साल यहाँ पे आप आते हो, किसी सेवादार ने कोई मांग करी? नहीं, कभी नहीं। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, इतना प्यार प्रेम मिलाप है सबका, बहुत अच्छा है। जो बाहर सेवादार खड़े रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत करी, कोई पैसा वैसे की मांग करी? कभी नहीं। ओम साईं कालका लाडली। ओम साईं कालका लाडली। ओम साईं कालका। कहाँ से आए हो लाडली? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से क्या काम बना आपका? मैं दरबार लगाती हूँ और दरबार बहुत अच्छे से चल रहा है, और मम्मी ने गद्दी की जो चढ़ाई होगी खुशी में माँ को मैं ये कढ़ाई चढ़ा कर जा रही हूँ। कढ़ाई चढ़ाने आई। आप कितने टाइम से यहाँ पे जुड़े हुए हो? 6 साल हो गए मुझे। और दरबार कहाँ लग रहा है आपका? बहादुरगढ़ हरियाणा। और कितने टाइम से गद्दी लगा रहे हो? मैं 1.5 साल से गद्दी लगा रही हूँ। अच्छा, उस बीच में किसी सेवादार ने या उससे पहले किसी जो सेवादार खड़े होते परेशानी करी हो, कोई पैसे की मांग करी हो मंदिर? किसी चीज़ की मांग नहीं की, कोई ज़बरदस्ती कुछ? किसी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से। हाँ जी। ओम साईं कालका लाडली। ओम साईं।